वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, क्लास 11 की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर को कवर कर रहे हैं। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 39 तक कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस हम TS ग्रेवाल की बुक के कर रहे हैं। अभी तक यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें इससे पहले के सारे क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें देखकर समझ सकते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 40 के साथ। तो स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 40 को देख लीजिए। क्या दिया है क्वेश्चन में? अ ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज्ड अ डिफरेंस ऑफ 417 प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। लेटर ऑन द फॉलोइंग एरर वर लोकेटेड। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 40 से है, यहाँ पर हमें जो जनरल एंट्रीज हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हैं, उनको तो करना ही है, साथ ही साथ हमको लास्ट में सस्पेंस अकाउंट का लेजर भी प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड का बैलेंस दिया हुआ है कितना, 417। तो जब हम जनरल एंट्रीज करने के बाद सस्पेंस अकाउंट का तैयार करेंगे लेजर, तब वहां पर क्रेडिट साइड इस बैलेंस को लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम पहला रेक्टिफिकेशन देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? गुड्स वर्थ 200 परचेज्ड फ्रॉम मोहन हैड बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट 250। मतलब गुड्स खरीदा था 200 का, लेकिन पोस्टिंग कितने से कर दी? 250 से कर दी। ज़्यादा से कर दी, खरीदा था 200 का। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी इसकी? परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, ठीक है ना। लेकिन कितने अमाउंट से होनी चाहिए थी? 200 से। हमने पोस्टिंग कितने से कर दी? 250 से। तो जो 50 रुपये ज़्यादा हमने किए हैं, उसे सही करने के लिए हम क्या करेंगे? उस जो परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन है, उसे सोहन को हम रिवर्स कर देंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? सोहन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितना? 50 रुपये। 50 रुपये ज़्यादा की थी तो 50 रुपये कम करने के लिए उस एंट्री को रिवर्स कर दिया और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? अ परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर 500 वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। देखिए क्या हुआ था, फर्नीचर को परचेज किया था, लेकिन एंट्री किस में कर दी? परचेज बुक में कर दी। सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट होनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या कर दिया? परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो हम क्या करेंगे सही करने के लिए? फर्नीचर अकाउंट को तो डेबिट करेंगे और जो परचेज अकाउंट है उसे क्रेडिट कर देंगे। जब भी कोई गलती में रेक्टिफिकेशन करना होता है तो हम उसे रिवर्स कर देते हैं। अमाउंट कितना लिखेंगे हम? 500 रुपये लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इंस्टेंट ऑफ क्रेडिटिंग जियान अकाउंट विथ 512 इट वॉज डेबिटेड विथ 215। मतलब अकाउंट क्या होना था? जियान का क्रेडिट होना था। एंट्री क्या होनी थी? कैश अकाउंट डेबिट टू जियान। मतलब करेक्ट एंट्री क्या होनी थी? कैश अकाउंट डेबिट टू जियान। कितने अमाउंट से ये एंट्री होनी थी बच्चों? 512 से। ये एंट्री तो हमने सही करी 512 से, लेकिन हमने पोस्टिंग क्या कर दी? 215 से डेबिट कर दिया। तो अब हुआ क्या? अब हमें करेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जियान को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन अमाउंट तो दोनों जगह अलग अलग हो गए ना, मतलब जनरल एंट्री में अलग हो गए और पोस्टिंग करते समय अलग हो गए। तो जो हम एंट्री करेंगे यहां पर, रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे, वो करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जियान। अमाउंट क्या लिखेंगे? ये 512 जनरल एंट्री वाला और 215 जो लेजर में पोस्टिंग की है वो वाला। तो दोनों का टोटल कितना होगा? 727। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हम जनरल एंट्री भी कर देते हैं और पोस्टिंग भी कर देते हैं तो उन दोनों जो अमाउंट है उनको प्लस करके रेक्टिफिकेशन एंट्री करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, गुड्स वर्थ 130 रिटर्न बाय जियान वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक।
एंड पोस्टेड द क्रेडिट ऑफ जियान पर्सनल अकाउंट, मतलब करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जियान, करेक्ट एंट्री यही होनी थी ना, क्योंकि किसके द्वारा वापस हुआ, जियान के द्वारा, तो हम क्या करते, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जियान, ठीक है, लेकिन हमने पोस्टिंग किस में कर दी, सेल्स अकाउंट में कर दी, ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने क्रेडिट कर दिया ना सेल्स बुक में, उसे क्रेडिट कर दिया, तो अब हमें उसे सही करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे डेबिट कर देंगे, तो करेक्ट क्या है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, करेक्शन, वैसे सेल्स अकाउंट नीचे आता है, क्रेडिट में आता है, करेक्शन करने के लिए उसे लिख देंगे ऊपर, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, दोनों जगह अमाउंट लिखा गए ना, कितने लिखा गए दोनों जगह अमाउंट, 130 और 130, तो यहाँ पर 260 टोटल आ गया। अब इन एंट्रीज के आधार पर हमें क्या करना है बच्चों, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना, लेजर बनाते हैं ना जैसे अपन, वैसे हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, क्लियर। सस्पेंस अकाउंट में सबसे पहले तो क्रेडिट साइड क्या लिखना है, हमें बैलेंस लिखना है, तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना दिया हुआ है, 417, देखिए स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है ना 417, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे टू सस्पेंस है और बाय सोहन, आता है ना आपको एंट्री करना लेजर में, कितना अमाउंट 50, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर टू जियान, तो यहाँ पर लिख देंगे टू, कितना 727, इसके बाद यहां पर टू सस्पेंस है तो बाय सेल्स रिटर्न एंड बाय सेल्स 130 एंड 130, और यहां टोटल कर लेंगे तो क्या आएगा 727, यहां पर भी 727, इस तरह से सस्पेंस अकाउंट बना लेंगे, बहुत ही सिंपल है, हम पहले भी जनरल एंट्रीज के बाद लेजर प्रिपेयर करना देख चुके हैं, हमें सस्पेंस अकाउंट तैयार करना है, बैलेंस यहाँ पर साफ साफ दिया है कि क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, उसके बाद जिस तरह से जो डेबिट में है उसे डेबिट में लिख देंगे, जो क्रेडिट में है उसे क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। देयर वॉज डिफरेंस ऑफ 720 इन द ट्रायल बैलेंस विच हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, पास द रेक्टिफाई एंट्रीज एंड द प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर, यहाँ पर ये एरर्स दी हैं, इन्हें रेक्टिफाई करना है, सबसे पहली एरर क्या दी है, एन अमाउंट ऑफ 375 नाउ पोस्टेड इन द डेबिट साइड इन कमीशन अकाउंट इंस्टेंट 275, मतलब 275 की पोस्टिंग होनी थी लेकिन हमने कर कितने की दी, 375 की कर दी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन, जब भी कोई एंट्री ज्यादा अमाउंट की कर दी जाती है तो उसे हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं उस अमाउंट को कम करने के लिए, तो यहां पर हमें 100 रुपए कम करना है तो हमने यहां पर कमीशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और सस्पेंस को डेबिट कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्रेडिट अमाउंट ऑफ 260 पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ पर्सनल अकाउंट, देखो क्रेडिट अमाउंट होना था 260, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, कितना 260, ये तो चलो ठीक है ये सही करी, लेकिन जब हमने इसकी पोस्टिंग करी तो हमने किससे कर दी, 360 से कर दी, तो जब हमने ट्रायल बैलेंस तैयार किया तो ये अमाउंट भी आ गया वहाँ और जो 360 है वो अमाउंट भी आ गया, मैंने बताया था ना जब हम पोस्टिंग गलत करते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों अमाउंट्स को प्लस कर देते हैं, तो बस अब हम क्या एंट्री करेंगे सही करने के लिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, दोनों को प्लस कर दो, 260 प्लस 360, कितना आएगा प्लस करने पर बच्चों, 620, ओके क्लियर हो गया ना, जब भी हम जनरल एंट्री करते हैं और उसकी पोस्टिंग हम गलत कर देते हैं तो वो जो अमाउंट है वो प्लस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, गुड सोल्ड टू सुरेंद्र रिकॉर्डेड टू परचेज बुक, सेल किया था लेकिन उसे परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, अब हम करेंगे क्या सही करने के लिए,
सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होता ही है, सस्पेंस अकाउंट को पहले तो हम डेबिट कर देंगे क्योंकि सेल किया था, टू सेल्स अकाउंट कर देंगे। गलती से जो एंट्री की है परचेज अकाउंट डेबिट होता है, उसे करेक्शन करने के लिए क्रेडिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा 300-300। ये 600 अमाउंट लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, डीज बिल फॉर द इरेक्शन ऑफ गोडाउन एट द कॉस्ट ऑफ 1200 हैज बीन चार्ज इन द रिपेयर अकाउंट। देखिए डी का जो बिल था वो इरेक्शन ऑफ गोडाउन, मतलब कोई बिल्डिंग बन रही थी, कोई गोडाउन बन रहा था, उसके इरेक्शन के लिए मतलब उसमें कुछ पैसा लगाया उन्होंने, कितना 1200 रुपये, लेकिन उसे कहाँ डाल दिया, रिपेयर अकाउंट में डाल दिया। डलना किस में चाहिए था, बिल्डिंग अकाउंट में डलना चाहिए था। अब जो उन्होंने रिपेयर अकाउंट में डेबिट किया है उसे सही करने के लिए हम उसे क्रेडिट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट। कोई भी एसेट्स हो उसके लिए, गोडाउन हो या उसके हमने सही करने के लिए या उसके वर्कमैन से रिलेटेड कोई भी खर्चा किया होता है ना, तो वो उस एसेट्स के अकाउंट में डेबिट होता है, लेकिन रिपेयर के लिए एक अलग से अकाउंट प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पर जो गलती की है उसे सुधारा है हमने और 1200 रुपये रेक्टिफिकेशन एंट्री कर दिए। बस इसका आप सस्पेंस अकाउंट तैयार कर लेंगे, सस्पेंस अकाउंट ठीक है। क्या बैलेंस क्या दिया हुआ है, पहले तो हम बैलेंस देख लेंगे। बैलेंस दिया है 720, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, तो बाय बैलेंस 720 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए टू कमीशन है तो यहाँ पर टू कमीशन लिख देंगे 100। उसके बाद यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट है, टू पर्सनल अकाउंट है तो यहाँ टू पर्सनल अकाउंट लिख देंगे 620, और इन दोनों को प्लस कर देंगे 720। यहाँ पर बच्चों ये सस्पेंस अकाउंट नहीं है, इसे यहाँ पर सुरेंदर अकाउंट है, क्योंकि सुरेंदर ने किया है ना परचेज और सेल्स में गड़बड़, तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सुरेंदर अकाउंट डेबिट, ठीक है। पता चला आपने यहाँ पर सस्पेंस लिख दिया और फिर यहाँ पर लिख देंगे तो यहाँ पर ये मैच नहीं करेगा। इस तरह से यहाँ पर ये रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी और ये सस्पेंस अकाउंट बनेगा। आप इसे नोट कर लीजिए, अब हम अगले क्वेश्चंस मेरे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।